भारत और पाकिस्तान दो मुकाबले उन्होंने खेले एशिया कप में, और उम्मीद थी एक तरह से देखा जाए, हर किसी को उम्मीद थी कि तीसरा मुकाबला जो है भारत और पाकिस्तान के बीच ही फाइनल होगा। और एशिया कप में कभी भी इंडिया और पाकिस्तान की टीम आमने सामने नहीं भिड़ी थी, लेकिन इस बार इंडिया की टीम भी ज़बरदस्त थी, पाकिस्तान की भी ज़बरदस्त थी, लेकिन शायद ये मंजूर नहीं था क्रिकेट को, और भारतीय टीम देखा जाए तो सुपर फोर से बाहर हो गई। लेकिन एक क्रिकेट फैन, खासकर अगर मैं बात करूं दुबई की, जो खास हैं और इंडिया और पाकिस्तान की टीम को चाहते थे हर हाल में कि यहां पर फाइनल हो, उसकी क्या वजह है, खास हमारे साथ मेहमान है क्रिकेट फैन। मैं चाहूंगा सर आप अपना परिचय खुद, हमारे जो तमाम जो दर्शक हैं जो देखते हैं क्रिकेट को, और हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे फैंस को लाएं, यूनिक फैंस को लाएं जो क्रिकेट को और भाईचारे को बढ़ावा दो, तो आप अपने बारे में बताएं, हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर हैं, खुद ही आप बताएं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया विमल भाई आपका कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। वेल, मैं यहाँ यूएई में 30 साल से हूँ। ऑब्वियसली पूरा नाम पहले बता दे लोग आपको। मेरा नाम अनीस साजन है और आप बॉम्बे से हैं? बिल्कुल प्रॉपर बॉम्बे से हूँ। पढ़ाई लिखाई वहीं आपने की? बिल्कुल, बॉम्बे में पढ़ाई की, कॉलेज भी वहीं किया, काम भी एक्सपीरियंस का वहीं से किया था। तो 30 साल पहले मैं इधर, मुझे याद है डेट भी 12 नवंबर 1992 को आया था, और ऊपर वाले की कृपा से आज जो कुछ भी हूँ इस कंट्री ने मुझे दिया है, इस कंट्री के लोगों ने दिया है, इन कंट्री के रूलर्स ने दिया है, और जो एक्सपीरियंस मुझे इंडिया से मिला था उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह और भगवान की कृपा से कामकाज ठीक ठाक चल रहे हैं। ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट की हम लोग बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, दोनों मुल्कों में अलग अलग आपको सपोर्टर मिलेंगे जो अपनी कंट्री को बहुत चाहते हैं, लेकिन जब जॉइंटली बात करते हैं, जॉइंटली इंडो पाक टीम की एक बार हुआ था, क्रिकेट टीम जॉइंट बनी थी 1996 वर्ल्ड कप में, जब श्रीलंका के लिए सॉलिडैरिटी के लिए जॉइंट इंडो पाक टीम गई थी, बहुत कम ओकेजन होते हैं। और यहाँ पर आपने, मैं देख रहा हूँ आपके घर में आया हूँ, ये थीम आपने लगा रखी है कि देश एक जान, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान। क्या एक तो पहला बहुत ही शानदार स्लोगन है आपका, द कैच द ग्रेटेस्ट राइवलरी, इसके बारे में बताइए। और ये उसी के थीम पर मैं देख रहा हूँ कि आपने एक टी शर्ट पहनी हुई, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा, दूसरी तरफ हिंदुस्तान, दोनों मुल्कों का दिल में एक साथ कैसे रख लेते हैं? मुझे खुशी हुई विमल भाई आपने मुझसे ये सवाल पूछा। अभी मैंने जैसे बताया कि मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो इस 30 साल में मैं इंडियन हूँ या पाकिस्तानी हूँ ये तब तक नहीं पता चलता है, एक जब हम आमने सामने बैठे, जब तक कि हम एक दूसरे से पूछते नहीं कि तुम कौन से कंट्री से, बिकॉज हमारी शक्ल सूरत एक है, खाना पीना एक है, उठना बैठना एक है। तो कोई बंदा साथ में काम कर रहा है पाकिस्तानी ऑफिस में, या मैं किसी के वहाँ पाकिस्तान के वहाँ किसी क्लाइंट के पास चला गया हूँ, साथ में खाना खाते, बॉलीवुड फिल्में पाकिस्तानी देखते, मैं पाकिस्तानी ड्रामास बहुत शौक से देखता हूँ, तो यहाँ ऐसा कोई फेयर नहीं लगा इंडियन पाकिस्तानी का। तो ये जो अब मैंने कॉन्सेप्ट जो लाया था, हम लोग 2-3 साल से राधा क्रिकेट मैचेस रख रहे थे, जब भी इंडिया पाकिस्तान का कोई वर्ल्ड कप मैच होता है तो हम लोग यहाँ एक स्टेडियम का माहौल बनाते। तो इस दफ़ा इनफैक्ट मैंने ऐसा सोचा क्यों ना ये यू नो दुनिया को बताया कि ये क्रिकेट का गेम है, इसे क्रिकेट का ही नाम दे और कोई नाम ना दे। बिकॉज क्या होता है, कभी हम सोचते हैं, कोई कहता है नथिंग रॉन्ग, कोई कहता है कि मदर ऑफ ऑल बैटल्स, व्हाई डू वी टॉक अबाउट मदर ऑफ ऑल बैटल्स, क्यों हम इसे जंग का नाम दे, इसको हम ग्रेम की तरह ले। तो ये दो देश एक जान, यानी दो देश तो है इंडिया पाकिस्तान, बट पैशन एक ही है क्रिकेट, और ये कॉन्सेप्ट तब मैंने सोचा कि करना है। तो ये आइडिया, टी शर्ट का आइडिया, ये बड़ा यूनिक सा आइडिया, मिस्टर क्रिकेट, आप मिस्टर क्रिकेट पर मैं बाद में आऊँगा, ये आइडिया कहाँ से, ये डिज़ाइन आपने कैसे की, सोचा कैसे, कलर कॉम्बिनेशन आधा मतलब, और बड़ी यूनिक सी लग रही है ये टी शर्ट आपकी। मैं आपसे सच बताऊंगा विमल भाई, मैं अभी कुछ 15 दिन पहले ये एशिया कप के मैं गया था बैंगलोर, तो मैंने बताया था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट के, जहाँ पे हर साल मेरे घर पे आते हैं, तो जहाँ मैं इंडियंस को बुलाता हूँ, पाकिस्तानियों को बुलाता हूँ, तो टी शर्ट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सब मैच देखते हैं। तो मेरे एक दोस्त को, किसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? मेरे फ्रेंड सर्कल जो यहाँ पे, अच्छा। एक तो जो मैं अपने दूसरे ऑफिस वालों को करता हूँ और बाहर के लोगों को करता हूँ वो अलग बात है, बट जब वो क्या है उसके बारे में बताओ, वो नहीं समझा। मैं बात कर रहा हूँ ब्लू कॉलर स्टाफ जो मैचेस देखने जाते हैं, तो वो लोग यू नो अपने पैशन से देना चाहते हैं। ब्लू कॉलर स्टाफ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उनको पता नहीं हो, ब्लू कॉलर स्टाफ वो होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं, और शायद उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि क्रिकेट पर, चूंकि यहाँ पर इंडिया मुकाबले टिकट बड़ी महंगी होती है, ऐसा नहीं हो कि आप सडनली आप जाएं और कोई भी चला जाएगा, आपको सोचना पड़ता है अगर आप, तो वैसे स्टाफ्स को आप देते हैं? बिल्कुल, बिकॉज जैसे आपने बताया कि उनके लिए ये टी शर्ट या मैच की टिकट बहुत महंगी पड़ती है, तो ऊपर वाले ने जो सुविधा दी है मुझे, जो फैसिलिटीज़ दी है, और ये मैचेस रेगुलरली नहीं होते इंडिया पाकिस्तान के, तो अगर उनको अगर ये टिकटें मिल जाती है तो दुआ भी देंगे, और मेरे लिए खुशी होगी कि मैं उनके साथ अपना पैशन जी सकूं।
और ये मिस्टर क्रिकेट तो हम लोग क्रिकेट में अगर देखा जाए माइक हसी जो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन बैट्समैन है उनको कहा जाता है, फैंस के तौर पे ये मिस्टर क्रिकेट का आपको तंगा किसने दिया इसके बारे में बताएं। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर मिस्टर क्रिकेट अगर कोई है तो वो माइकल हसी है और मैं उनका बहुत बड़ा फैन और एक अच्छा दोस्त भी हूँ क्योंकि उनके साथ काम भी किया है मैंने। क्या बात है। बट ये मुझे कह सकते हैं ना कि जो दिया है मिस्टर क्रिकेट यूएई का, ये मेरी वाइफ ने दिया है। अच्छा। तो वो उसे पता है कि मैं सुबह शाम क्रिकेट की माला जपता हूँ, तो जो एक लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, आपका प्यार बांट रहा है बेगम के सामने। यू नो कभी कभी हो जाती है। मैं यहाँ पर दुबई में आया तो मुझे पता नहीं था, और मैं शायद मैं उस वजह से अगर वो परिचय आपका होता तो मैं आपके पास आता भी नहीं। दरअसल अनीस जी यहाँ के जो दुबई की अगर बात करें, बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका कंस्ट्रक्शन का काम है और आप दुबई में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, कई सारी इमारतें देखते हैं, पिछले तीस सालों में इन्होंने लिटरली दुबई को बनते देखा, खड़ा होते देखा है। और लेकिन इनकी ये पहचान एक अलग पहचान है बिजनेस की अगर आप बात करें, लेकिन क्रिकेट की जो पहचान है वो पहचान शायद आपको ज़्यादा अजीज़ है। अगर आपसे सच बोलूँ तो यस, मेरे ब्रदर हमेशा ये कहते हैं कि जितना तुम टाइम क्रिकेट को देते हो, जितना टाइम तुम एनालिसिस में बैठते हो, उतना ही टाइम अगर काम में देते हो तो डैन्यू बाज और बड़ा रस्ती पे होता। बट वो कहते हैं ना कि मेरे लिए क्रिकेट प्यार है, कारोबार नहीं है। कह सकते ट्रूली क्रिकेट ट्रैजिक हो आप। बिल्कुल, बहुत घुस जाता हूँ क्रिकेट में, लाइक आई ईट स्लीप एंड ब्रीथ क्रिकेट, और जब इंडिया खेलती तो आई कैरी माय हार्ट ऑन माय स्लीव। अच्छा, मैं आपसे काफ़ी बात हो गई, एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। आप भी तो मतलब सारे करोड़ों लोग थे इंडिया पाकिस्तान सोचे थे रविवार को जो मुकाबला है पाकिस्तान श्रीलंका का होना जो चाहिए था इंडिया और पाकिस्तान। बिल्कुल, हम लोग सब यही उम्मीद लगाते थे कि ट्राई सीरीज हो जाएगी, एक दो मैच तो होने ही थे, कि उम्मीद थी कि यूएई को। आखिरी सवाल अनीस भाई आपसे लेना चाहेंगे, आपने कुछ दिन पहले जब इंडिया पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला हुआ उसके बाद आपने अपने घर में ही एक पार्टी रखी और वो भी एक यूनिक पार्टी थी जिसमें मैं भी शामिल था। इंडिया और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, यंग मेल फीमेल हर किसी को, लगभग करीब 25-30 जो विजिटिंग जर्नलिस्ट थे लोकल भी थे, उनको बुलाया आपने। वहाँ पर आपने सिर्फ क्रिकेट के किस्से सुने, गाने, उस इवनिंग के बारे में आप बताएं, आपके लिए क्या ये पहला इस तरह का मतलब इनिशिएटिव था आपके लिए? जान पे भी खेलेंगे, क्या बात है, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे। दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं तो नजर हम मगर देखो दो नहीं, अरे जुदा या खफा खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सुपर, राहिल भाई की जय हो। बिल्कुल पहला था, और ये इनको यू नो उन लोगों से मिलना यही था कि मैं उनके साथ
उनका पैशन जो है जो जर्नलिज्म का है, तो एक एनेक्डॉट सुन सकूं। जैसे तीन चार जर्नलिस्ट ने अच्छी अच्छी बात की कि लेले साहब ने सचिन तेंदुलकर के बारे में बात की जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, फिर एक और पाकिस्तानी ने जो इंजमाम हलक के बारे में बात की, तो ये सब बातें जो मैंने सुनी नहीं थी तो उनसे पता चला तो बड़ा अच्छा लगा। और यू नो बिकॉज आप लोग माशाल्लाह कितने साल से जर्नलिज्म कर रहे हो, हम लोगों की ये अनदेखी बातें पता नहीं चलती, तो पता चला। और वो माहौल जो बना था इंडियन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का, एक होता है ऑन फील्ड प्लेयरों का, एक होता है ऑफ फील्ड हम जैसे फैंस का, आप जैसे जर्नलिस्ट का, तो प्यार देख के बड़ी खुशी हुई।